Assalamu alaikum, my name is Muhammad Umar and you are watching Noobie Reaction. Today I am reacting on the video which is Super Insult in Pakistan Idol 2013. So yaar, aapko pata hai Indian Idol chalta hai aur kafi famous program hai. तो उसकी कॉपी करते हुए पाकिस्तान आइडल भी शुरू हुआ था 2013 में. तो उसके एडिशन काफ़ी मज़ेदार हुए थे. अभी आपको काफ़ी मीम्स भी मिलती हैं, छोटे छोटे क्लिप्स भी मिलते हैं. तो एक कंपाइल वीडियो है, देखते हैं और थोड़ा इंजॉय एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं. लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो टाइम वेस्ट किए बगैर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. हेवी गो सामने प्लास्टिक, ये ग्लासेस अगर आप उतार देंगे तो शायद आपको नजर ये एग्जैक्ट ठीक है. मेरा लग, क्या नाम है आपका? अरीज. अरीज 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 जी. ग्लासेस, बस मैं इसी में ही ऑडिशन देना चाहती हूँ. अच्छा, इसी में भाई? इसी में ऑडिशन देना. आपकी तरह इंस्पायर्ड है क्योंकि आप ये लगा के परफॉर्म करते हैं. हाँ, अली ये अली इसमें शर्मा रही हैं काफी लगा के. रिलैक्स रिलैक्स, बंदा ये रात को भी ब्लैक है ना, लगा के ग्लासेस पैनिक हुई भी हो. रिलैक्स करो. ठीक, शाबाश शाबाश. तो क्या गाना? यो गाना स्टार्ट करते हैं. चिकनी चंबेली. चिकनी चंबेली, मजा आने लगा. छो में रह रहना पर सहरीले अखमारे, कंसिन कमरिया साली कठुमके से लखमारे, नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की बीड़ी बीड़ी चंदन चलाने आई, आई चिकनी चंबेली छत पे अकेली पौवा चढ़ा के आई. आई चिकनी चंबेली छत पे अकेली पौवा चढ़ा के आई. ये खुद कुछ गाना था भाई. इससे बमबारी भी हो सकती है. हो सकती है, बिल्कुल. इससे दुनिया तबाह हो सकती है, इससे बिल्डिंगे गिराई जा सकती है. ये शोभा लगा रही है. वो बस वैसे फैशन फैशन रिजेक्शन से डर नहीं मुझे आप लगता है. क्या उम्र क्या आपकी? 21 की है और आवाज आपकी जो है वो 13 साल की है. मुझे लग रहा 21 गाना नहीं आता जी, है ना? और आप गाती है क्योंकि आपको अच्छा लगता है, तो इसको गाते रहे और अपने दोस्तों को. मैं कभी आस नहीं किया, कहीं सीखा. हाँ सही बात है, तो आपको आता ही नहीं है बिल्कुल भी ना. मेरे लिहाज से भी आप बस शौकिया सिंगिंग करें तो मेरी तरफ से नो. ठीक है, मुझे ऐसा गाना गाएं जी कि आपको ऐनक ना पहननी पड़े. ठीक है, और मेरी तरफ से इनकार है जी. बहुत शुक्रिया. अच्छी बिस्ती है वैसे, मीठी मीठी. वो बेटे बड़ा दरवाजा. ऐसी सिर्फ एक नहीं, मुल्तान ऑडिशंस में ऐसे कई आए जिन्हें वाकई काला चश्मा पहनकर ही आना चाहिए था. Virginia officially did not reveal me there. Rest of y'all know been lyrically yet. Can't even feel me to me back. Yeah, yeah, yeah. Rapping is right on. अपने कर्म की करदाएं कर दे इधर भी तू निगाहें. सुन रहा तू रो रहा हूँ मैं. मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला ये है. फिर भी थोड़ा बेहतर है. ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है. इसके जिस्म पे बात ना कर दे तो क्या, ये इश्क की तलाश. जितने जज हरामी है ना, मना किया मुझे. ओ बस सनी लियोन याद आ गया. कैसी ये जुदाई है, आंख भर मेरी आई है. बाय वन गेट वन फ्री. गुड़ियों का नशा सारे नशा सबसे नशीला है. इसको 5 रुपए दे और कुछ खाने के लिए. हुस्न की बारिश में गीला ला कर दे. इश्क के नाम पे करते सभी सब राज लीला है. आपका गाना और आपका डांस दोनों देखे और हमने अखरोट याद आ गया. मेरी ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन. ताधत धिन्ना तिगड़ धिन्ना ताधत तिगड़ तिगड़ धिन्ना तिगड़ तिगड़ धिन्ना तिगड़ तिगड़ धिन्ना. लगी आप किस तरह, अपने आपको देखा कभी शीशे में गाते हुए? शायद वाकई इन कंटेस्टेंट्स ने खुद को गाते हुए कभी आईने में नहीं देखा. अब तो बहुत जरूरी है कि कोई तो ऐसा आए जो जजेस रूम का माहौल बदले. ओ फाइनली वी आर, वीडियो खत्म हो गई है यार. वीडियो ख़त्म हो गई है, इसके बारे में बात करते हैं. यार वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी, इंटरटेनमेंट वाली थी. और जिस तरह के वो बाथरूम सिंगर आए हैं ना, क्या बात है. मैं भी उनमें से एक हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए.
लेकिन मैंने कभी इस तरह की चुस्त नहीं मारी है। मतलब यार इंसान को पता होता है वो नहीं गा सकता, फिर भी वो वो होती है ना उंगली कि यार आ जाओ शुगर चलते हैं। तीन दोस्त बैठे होते हैं, कहते हैं यार ऑडिशन चाह रहे हैं, कहते हैं आ जा शुगर। फिर यार इस तरह टीवी पे आके इनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन मुझे एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब इस तरह का यार मतलब इंडिया में भी होते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं जलील कर रहे जिस तरह ये जलील कर रहे हैं। और एक बिल्कुल एक प्लांटेड प्रोग्राम बना के बिल्कुल यार जजेस ने हद कर दी हुई है। और मतलब इतनी इतना लेवल भी नहीं गिरना चाहिए था जितना इन्होंने गिराया, ठीक है। और पर्सनली वो जो एनक वाली के साथ जो अली अजमत ने किया ना, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। या जब आप इतने बड़े सिंगर बन जाते हो तो थोड़ा आपके अंदर टेम्परामेंट भी होना चाहिए, तो दूसरे के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो उम्मीद है यार इस तरह का मतलब पाकिस्तान आइडल मेरे ख्याल से अब बंद हो गए हैं। शुक्र है यार इस तरह के चुस्त प्रोग्राम बंद हो गए हैं, और उम्मीद है कि अब आइंदा हो गए भी नहीं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। एक इंडिया से उन्होंने नकल करने की कोशिश की थी कि आ जाओ भाई हाँ इंडिया वाले करते हैं, हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो फ्लॉप गया है, ठीक है। इतना कोई अवाम ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको पता सारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो इन्वेस्टमेंट वालों ने कहा भाई तो यार बीच में काफ़ी फनी फनी सीन हुए हैं। एंड पे वो जो एनक वाली लड़की थी ना, वो वापसी जाते हुए इससे मतलब इतना ये इन्होंने उसको कर दिया हुआ था, और जुगत पे जुगत लगाई थी, और एंड पे वो अपना रास्ता ही भूल गई। और काफ़ी एक बंदा मुझे अच्छा लगा था, मतलब ठीक अच्छा नहीं, मतलब अच्छा सुर नहीं था, लेकिन फिर भी इन सबसे बेहतर था। लेकिन जजेस ने फिर उस पर भी उनकी सही बजा दी है। बीच में यार एक सिंगल टैनी भी आई थी, और उस वो साथ डांस फ्री कर रहा था, ठीक है। और उसका ब्रेक डांस देख के ना मेरी खुद हंसी निकल गई थी, ठीक है। तो यार वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग थी, उम्मीद है आपको आज का रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब वो तो आपने यार लाजमी करना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।